राजधानी रायपुर में लूट और चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बीती रात निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे में चार अज्ञात युवकों ने एक युवक को रास्ते में रोककर लूट की, साथ ही युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान रायपुर के मेकाहरा में मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए रायपुर के एडिशनल SP तारकेश्वर पटेल ने कहा कि इसमें अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। थाना क्षेत्र का मामला है, कल रात के लगभग 11:30-12 बजे घटना है। पीड़ित दुखित राम यादव अपना काम करके फिर अपने बाइक से जा रहा था, तो एक्सप्रेस वे के पास चार व्यक्ति उसको मिले, रास्ता रोक करके उसको मोबाइल छीनने की नीयत से उसको मोबाइल छीन करके उसको जांग में चाकू से हमला किए थे। इसमें लूट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और पीड़ित को इलाज के लिए मेकार अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मृत्यु होने की जानकारी मिली है। इसमें अज्ञात आरोपी पता तलाशी किया जा रहा है।